रतन टाटा के निधन से आज पूरा देश गमगीन है। आज भारत ने सही मायने में अपने अनमोल रतन को, अपने कोहिनूर को खो दिया। एक युग का आज अंत हो गया। तो सीधा रुख करते हैं मुंबई का, जहां इस वक्त हमारे संवाददाता देव कोटक हमसे जुड़ रहे हैं। देव, इस वक्त आप कोलाबा में हैं, जहां रतन टाटा के पार्थिव शरीर को रखा गया है। क्या अपडेट है, कितने बजे तक शाम को क्रिमिनेशन ग्राउंड में ले जाया जाएगा? तो ये तस्वीरें सीधे मुंबई से आप देख सकते हैं कि अंतिम दर्शन के लिए लोग जो हैं यहाँ पहुँच रहे हैं। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को यहाँ रखा गया है और भारी मात्रा में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। महाराष्ट्र की ये तस्वीर, मुंबई की आप देखिए कितने लोग अब तक पहुँच चुके हैं रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए, उनको आखिरी विदाई देने के लिए। तो एक युग का आज अंत हुआ है, राजकीय सम्मान से उनको विदाई दी जाएगी। और इस वक्त की ये तस्वीरें, जब रतन टाटा को आज के बाद लोग सिर्फ अपनी यादों में ही याद रख पाएंगे। तो आज हर एक की आंख जो है वो आंसुओं से भरी हुई है, लोग गमगीन हैं। रतन टाटा के परोपकार भरी जिंदगी जो है वो लगातार अभी तक रही है। लोग उन्हें उनके परोपकार के लिए जानते हैं, उनके डाउन टू अर्थ नेचर के लिए उनको जाना जाता है। और भारत ने आज सही मायने में अपने अनमोल रतन को, अपने कोहिनूर को खो दिया है। तो 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में कल रात आखिरी सांस ली। और रतन टाटा को श्रद्धांजलि जो है आज लोग दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर शेयर करते हुए रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। तो एक व्यक्ति जिसने अनेक लोगों को प्रेरणा दी, उनको संबल बनाया, आभार रतन टाटा सर, आप हमें बहुत याद आएंगे। तुम्हारे संवाददाता देव कोटक जो हैं वो हमसे जुड़ रहे हैं। देव, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और कितने लोग हैं जो अब तक श्रद्धांजलि के वहां पहुंच चुके हैं, और क्रिमिनेशन का समय क्या है? जी, अगर मैं आपको यहाँ का नजरिया दिखा दूँ और मैं कैमरामैन महेश को कहूँगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा, वहाँ पर वो एक लंबी लाइन है और सब एक के बाद एक जाके ये लाइन जो है वो कतार बढ़ती ही जा रही है। अभी तक यहाँ पर 5,000 से अधिक लोग आ गए हैं। इसमें ज्यादातर टाटा ग्रुप के अलग अलग जो कंपनीज है, टाटा मोटर्स है, टाटा पावर है, उनके सब एम्प्लॉयज है ज्यादा से ज्यादा लोग। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हम एनसीपीए में मौजूद है, जो कि टाटा ग्रुप के द्वारा ही ओन्ड है। यहाँ पर जो लॉन है वहाँ पर उनकी बॉडी को एक ग्लास के कैस्केट में रखा गया है, उनके पार्थिव को, लोगों के लिए अगर आखिरी बार उनको विदाई देनी हो या अलविदा कहना हो तो उसी के लिए ये जो प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पर काफ़ी सारे बड़े नामचीन लोग भी आ चुके हैं, जैसे सुहेल सेठ है, गौतम सिंघानिया है, और इस शहर के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो लोग भी आ रहे हैं। कल रात को मुकेश अंबानी ब्रीच कैंडी अस्पताल आए थे। यहाँ पर तकरीबन 3:30 बजे तक उनके पार्थिव को रखा जाएगा और हम अपेक्षा करते हैं कि 2.5 से 3 लाख लोग की आने की आशंका लग रही है। और इसके बाद जो 4 बजे के बाद वर्ली क्रीमेटोरियम में, इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम में, जहां उनके शव को ले जाया जाएगा फाइनल राइट्स जिसे कहते हैं या अंतिम विदाई के लिए, तो वहां पर भी बहुत लोग आने की संभावना है। ऐसा बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जी भी वहां पर वर्ली सीधा डायरेक्टली मौजूद होंगे। और कहीं ना कहीं आपको नजरिया देख के लग रहा होगा और समझ में आ भी रहा होगा कि लोगों के दिलों में उनके प्रति कितना प्रेम था। उन्होंने भारत की इकोनॉमी के लिए या जीडीपी के लिए भी बहुत किया है, बहुत रोजगार दिया है लोगों को, तो कहीं ना कहीं उनकी कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। बिल्कुल देव, आप एकदम सही कह रहे हैं, उनकी जो कहानी है वो प्रेरणा देख है। उनका जीवन जो है सिर्फ और सिर्फ परोपकार जो है, सिर्फ परोपकार ही, लोगों की अच्छाई में ही बीता है। और क्योंकि वो पद्म विभूषण थे, उन्हें सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण से वो सम्मानित थे। तो जो उनकी विदाई है, जो अंतिम विदाई है, वो राजकीय सम्मान के साथ उनको विदा किया जाएगा, अंतिम विदाई जो होगी। देव, क्या आपको आवाज आ रही है?
जैसा कि आपने बताया कि 3:30 बजे तक जो है जी राजकीय सम्मान जी राजकीय सम्मान की आप बात कर रहे थे तो सुबह में भी उनको स्टेट ऑनर्स दिए गए, 21 तोपों की सलामी या जिसे गन सल्यूट कहते हैं वो भी था, और मुंबई पुलिस का जो बैंड होता है अक्सर ऐसे दिनों में जो कोई पर्सनालिटी गुजर जाती है तो उनके लिए मुंबई पुलिस का जो ये प्रसिद्ध और मशहूर बैंड होता है वो भी मौजूद था उनके कोलाबा के निवास पर जो उनका घर है वहाँ पर ऑफिशियल रेजिडेंस रतन टाटा का, लेकिन वहाँ से उनके शव को यहाँ पर लाया गया। और फिर से एक और बार अगर आप यहाँ का रुख कर लेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा, और एक जो है कतार जो है लोग उनके पार्थिव को फाइनल रिस्पेक्ट देने आ रहे हैं वो कतार बढ़ते ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं टाटा सन्स और टाटा ग्रुप के लोगों ने सोचा कि सुबह के 10:30 बजे से 3:30 बजे तक का समय भी कुछ लोगों के लिए कम पड़ता है, क्योंकि लोग बहुत बहुत दूर डिस्टेंस से भी आ रहे हैं, कुछ लोग हाफ डे की छुट्टी लेकर आ रहे हैं या कुछ लोग आज थोड़ा ओवर टाइम करेंगे, लेकिन यहाँ पर आए हैं काफ़ी लोग चर्च गेट और वीटी स्टेशन उतर कर भी यहाँ नरीमन पॉइंट एरिया में जहाँ एनसीपीए मौजूद है वहाँ पर आए हैं। पुलिस की डिप्लॉयमेंट की बात करें तो ढेर सारे पुलिसकर्मी भी तैनात कर दिए गए हैं। वर्ली में भी जहाँ इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम है वहाँ पर सारी अरेंजमेंट्स की गई है। वर्ली क्रेमेटोरियम एक ऐसा वेन्यू है जहाँ पर साइरस मिस्त्री जो पूर्व टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे जिनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी उनके शव को भी वहाँ ले जाया गया था अंतिम विदाई या फाइनल राइट्स के लिए। तो कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि उन्हें जानवरों से बे इंतहा लगाम और मोहब्बत थी, कहीं ना कहीं ये दर्शाया गया है। उनकी सादगी या सिंप्लिसिटी की बात करें तो कुछ महीनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देखने मिला कि रतन टाटा जिसने जैगवार लैंड रोवर और रेंज रोवर की जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को टेक ओवर किया है और खरीद भी लिया है वो खुद एक टाटा नैनो से उतर कर आ रहे हैं उनके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट शांतनु नायडू के साथ। तो कहीं ना कहीं वो ताज होटल में एंटर करते हुए एक पीले रंग की नैनो में से उतरते ये दर्शाता है और साफ तौर पर दिखाता है और देखने वाले को भी समझ में आती है ये बात कि ये आदमी एक बिलियनर होने के बावजूद भी किस सादगी से और किस तमीज से लोगों को पेश आता है वहाँ पर। बल्कि बॉम्बे हाउस जो कि टाटा सन्स के ओरिजिनल मुख्यालय है और आज की तारीख में भी एक ऐतिहासिक फोर्ट एरिया में है जहाँ पर ब्रिटिश काफ़ी स्ट्रक्चर्स है वहाँ पर टाटा सन्स की ऑफिस है, उसी बिल्डिंग में वहाँ के सारे स्टाफ को भी उन्होंने इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि ये जो स्ट्रे डॉग्स है इनको कहीं हटाना नहीं है। तो कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि जी बिल्कुल सही कहा आपने, जितने बड़े वो कारोबारी थे लेकिन उनका जीवन जो है उतना ही सरल था, लोगों के लिए मानवता की मिसाल थे रतन टाटा, इसीलिए वो आज भले ही दुनिया से चले गए हैं लेकिन लोगों के दिलों में उनकी यादों में रतन टाटा हमेशा जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया देव आपका इस तमाम जानकारी के लिए।